खाली अब मैं जा रहा है। नंबर दे दे विश्राम, विश्राम के लिए मेरे नंबर छोटू उसके लेके दे दीजिए। जा रहा हूँ, ध्यान रखिए पांव को और ज्यादा घूमी फिरी मत कहीं भी। देख लमन इतवार दिन चलेंगे, एक्सरे करवा लेंगे, छुट्टी हैगी। जा रहा भाई है। हर में दे हर बब्बा। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं? सब अलग अलग जिले के हैं। नासिक का है। कितनी मूर्ति है? कल मिले थे आप, वही है क्या? वो संजा में मिले थे आप लोग। पूरी मूर्ति कितनी आप लोग? सात है, सात पीछे सब, बाकी पीछे आ रहे हैं। दे हर बब्बा। बाबा जी आप लोग है ना, ये तो आ गए मेरे गांव हसलपुर आने वाला है, फिर इसके बाद रंडाल, रंडाल से 1 किलोमीटर आगे गुरुदेव बादाम गिरिजी महाराज का आश्रम, तो वहाँ रुकिएगा, भोजन प्रसादी करिएगा, फिर आगे चलिएगा, है ना? आप थोड़ा नर्मदा मैया के महत्व के बारे में बताएंगे क्या? ओ मैया ना बहुत हमारा खूब प्रेम दिया, खाने को कहीं कम नहीं पड़ून दिया, सब कुछ मैया ना हमारा भरपूर गर्जा पेक्षा जास्त प्रेम दिया। बोलो, नर्मदा मैया ने हम कुछ कमी नहीं कर रहे जी। हाँ, हम जैसा घरून आया जी तैसा रहे, इधर 3 महीने हो गए तरी हम कुछ कम नहीं, नहीं आया जी, याद नहीं आया हमको। नर्मदा मैया ने इतना प्रेम दिया कि घर की याद ही भूल गए आप लोग। अच्छा बाबा, आप अपनी भाषा में नर्मदा मैया के एक भजन सुनाइए ना छोटा सा। हाँ, नमो नर्मदे मैरेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदे मैरेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदे मैरेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदे मैरेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नर्मदे जटा शंकरे नमः पार्वती पते महादेव। तो बाबा जी आप लोग सब मतलब कोई कबूल ना से परिक्रमा उठाइए कि आपने मतलब खुशी खुशी उठा रहे आप लोग। खुशी खुशी मतलब हम खुशी को आग्रह नहीं करना, खुशी को भोजन होता खुशी को नहीं, हम मन में आया उठाया। तो महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र से है ना, तो वहाँ पे नर्मदा मैया है क्या? नहीं, थोड़ा है, बहुत लंबी है, बहुत नर्मदा मैया आती है। नहीं, महाराष्ट्र परिक्रमा चलने के लिए नर्मदा परिक्रमा मतलब रास्ता आता है, मैया नहीं आती, मैया नहीं आती, रास्ता आता है, महाराष्ट्र से निकलते है ना परिक्रमावासी। बाबा जी बहुत खुशी हुई आप इतने दूर के हैंगे, और मेरा यूट्यूब पे चैनल है प्रेमीना नाम से, नहीं आपके पास अगर मोबाइल नंबर हो तो बोल दीजिए, मैं आपके पास ये वीडियो सेंड कर दूंगा, है ना? 5927 9597 3636 6065 65 ठीक है बाबा जी, है ना? ये बोलते जाइए आप 9869582030 जी। बाबा जी आप है ना, अब मैंने बाबा से ले लिया है, आप सब लोग है ना बाबा को से मतलब मेरा नंबर ले लीजिएगा, है ना? मैं अपना नंबर आपके पास भेजा दूंगा। फिर ये वीडियो प्रेम मीना 77 22 86 13 74 हाँ ठीक है बाबा जी, आपके पास पहुंच जाएगा। यूट्यूब पे प्रेम मीना बोलेंगे, वीडियो की लाइन लग जाएगी, नर्मदा पर क्या बोलने का जी? प्रेम मीना, प्रेम मीना। हाँ, यूट्यूब पे और जितने भी नर्मदा परिक्रमावासी निकल रहे हैं ना, सबकी आपको दर्शन होंगे, और इससे बढ़ के एक महान मूर्ति है नर्मदे बाबा जी, नर्मदे नर्मदे। एक बार जय जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि की है ना रामलला की स्थापना होने वाली है सोमवार को 22 तारीख को, एक बार अच्छी जोर से बोल लेते हैं हम सब लोग। जय 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 रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राम, जय सिया राम, नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर बाबा जी। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, देखिए नर्मदे हर बाबा जी, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर। देखिए कितने सारे नर्मदा मैया के परिक्रमावासी जा रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर है नर्मदा मैया, बिल्कुल किनार पे चल रहे हैं ये लोग।
देहर बाबा। बाबा जी अकेले चले आ रहे हैं? नर्मदेहर। नर्मदेहर और बाबा कहाँ गए? और बाबा आगे गए, महाराष्ट्र वाले थे। महाराष्ट्र वाले अकेले ही है बाबा जी? घर से अकेले नहीं, अकेले ही चले हैं। हाँ। बाबा जी तो और बाबा आगे पीछे भी आ रहे हैं ना कुछ? आते हैं। तो आप अकेले चलते हैं? अकेले चलने से क्या होता है, टेंशन नहीं होता ना वो जी। जब साथ में चलते हैं ना जी, तो इधर का नेता उधर गिरा, उधर का नेता इधर गिरा। ऐसी बात चलती है, चलते चलते नर्मदा हर करना चाहिए जी। नर्मदा, नर्मदे हर करे जी, तो नर्मदा मैया का नाम लिया जाता है जी, और बाद में हर का भी नाम लिया जाता है जी, उसी से नाम का स्मरण होता है जी, ईश्वर को याद किया जाता है जी। और जब साथ में चलते है ना जी, तो बाकी का काम ज्यादा ज्यादा है, नाम स्मरण कम कम हो जाता है जी। सही है, अकेले चलने में अच्छा लगता है। हाँ ये तो सही है बाबा जी। अब नर्मदा मैया के थोड़ा महत्व के बारे में बताइए ना थोड़ा, मतलब कोई कथा आपको आती हो? नर्मदा मैया की कथा तो बहुत है जी, नर्मदा मैया की कथा कोई कम नहीं है जी। लेकिन नर्मदा मैया जी ये अमरकंठ से निकली जी, तो अमरकंठ एक पर्वत है जी, जहाँ पर्वत पर जी नेचुरली जी, यानी कि नैसर्गिक जी, नेचुरली एसी है जी, ठंडा तो है लेकिन नेचुरली ऐसी है। तो भगवान शंकर ने जब हलाल विष प्राशन किया था जी, हलाल विष प्राशन करने के बाद भगवान शंकर का जो कंठ जो है जी वो तकलीफ होने लगी जी। तकलीफ होने लगी तो पूरा ये जो है पृथ्वी का जी संचार करते फिरने लगे, इधर उधर भटकने लगे। जब अमरकंठ चले गए जी, तो वहाँ उसको राहत मिली जी, आराम लगा जी। आराम लगा तो वहीं पर बैठ गए, तो उसे शरीर से जी ये जो होता है बूंद निकलते हैं, पसीना पसीना जो आता है, तो पसीना आने लगा जी। वो पसीना से जो प्रकट हुई है उसे नर्मदा मैया, इसीलिए वो अमरकंठ वाली कहते जी। बाद में गुप्त हुई और जगह जगह प्रकट हुई जी। तो नर्मदा मैया जब प्रकट हुई और वो बहने लगी तो चारों ओर क्या हुआ, हरियाली छा गई जी। हरियाली छा गई, वो प्रकट हुई ना तो पानी से हरियाली छा गई, तो भगवान शिव जी को आनंद हुआ जी। उसे हस्य आ गई जी। तो नर्म देने वाली नर्मदा जी, भगवान शंकर को नर्म दिया जी। ये ऐसी कुछ थोड़ी थोड़ी सी बहुत सी कथा है जी। तो बाबा जी आपने इतनी कथा सुना दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मुझे तो ये भी पता नहीं था लेकिन आपने बता दिया तो मुझे पता चल गया। और इस जो कथा आपने सुनाई इसको हजारों लाखों लोग देखेंगे और उनको भी पता चलेगा कि अमरकंठ में नर्मदा मैया मतलब कैसे निकली, कैसे उसका उद्गमन हुआ है। हाँ। अब आप एक बात और बता दीजिए बाबा जी, सोमवार को 22 जनवरी को रामलला की। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे 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 पार्वती पते हर हर महादेव की जय, भगवान रामचंद्र प्रभु की जय। ये हम ही भेज सकते हैं आप? हाँ पहुँच जाएगा, नंबर बोल दीजिए। 99999 हाँ 22 हाँ 158402। बाबा जी आपके पास है ना, शाम के मैं ये वीडियो आपके पास भेजा दूंगा है ना। ठीक है, आप अपने रिश्तेदार परिवार सब में भेजाइएगा इसको है ना। नर्मदेहर आप भेजे ना जी, तो मैं भी भेज दूंगा। हाँ नर्मदेहर बाबा जी पहुँचा दूंगा ना। नर्मदेहर एक बार नर्मदेहर बाबा नर्मदेहर। नर्मदापुरम का कोरी घाट देखिए और दो बाबा आए नर्मदा परिक्रमा करते हुए। नर्मदे हर, कौन से जिले से आए? डिंडोरी से हमारा। डिंडोरी जी बाबा, नर्मदा परिक्रमा कितने दिनों से कर रहे हो? 28 रोज हुआ। 28 रोज
तो नर्मदा परिक्रमा आप किस लिए कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? दर्शन के लिए कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं हमारा, पूरी पैदल यात्रा है। हाँ, अभी तक तो पैदल ही चल रहे हैं। तो दर्शन आप करना चाहते हैं कि नर्मदा मैया सामने है, करिए कोरी घाट पे दर्शन नर्मदा मैया के, और पूरी पैदल ही करेंगे आप लोग? सोच तो ऐसा है महाराज जी, भैया जाने का। हाँ, तो आज तो आप रुकेंगे जी सेठानी घाट पे, है ना, और कल से 4-5 दिन का कार्यक्रम है सेठानी घाट पे, राम जन्म स्थापना हो रही है ना मूर्ति की, तो 22 तारीख तक चलेगा, 18 से 22 तारीख तक। तो आप लोग तो यहीं रुकिए और आनंद लीजिए, फिर आगे बढ़िए, है ना। हाँ, 5 दिन का बहुत समय है। अरे बाबा जी, नर्मदा मैया सेवा माँ है तो दर्शन कर ही देंगे, साक्षात नर्मदा मैया है, है ना। और आराम से चलिए आप लोग तो, है ना, भोजन प्रसाद की सारी व्यवस्था जगदीश मंदिर में है ही परिक्रमा वासियों के लिए, है ना। और यहाँ से जब निकलोगे तो गुरुदेव पादमगिरी जी महाराज का आश्रम है 12-13 किलोमीटर नीचे, तो वहाँ रुकना, वहाँ सात धारा में स्नान करना, नर्मदा मैया सात धारा है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ना, है ना। आप कुछ बोलना चाहेंगे नर्मदा मैया परिक्रमा करते हुए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद महाराज, बहुत आनंद आ रहा है, और कोई परेशानी कोई समस्या? परेशानी नहीं है। ठीक है बाबा जी, नर्मदे हर, आप लोगों का समय लिया है ना, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। आज मोदी जी की कृपा से नहीं, 22 तारीख को रामलला की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है अयोध्या में, सभी देशवासियों को इस विषय में बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, और सभी श्री राम भगवान के नाम का जाप करें, अपने अपने घर में दिवाली मनाएं और खूब खुशी से त्यौहार, इस त्यौहार को मनाएं। नर्मदे हर।